नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। हंदवाड़ा में प्रदर्शन के दौरान सेना की गोली से अंडर 19 क्रिकेटर और महिला सहित तीन लोगों की मौत, दो लोग जख्मी। सेना के जवान पर लड़की से छेड़छाड़ के आरोप के बाद अलगाववादियों ने बुलाया था बंद। सेना ने किया आरोपों से इनकार, सीएम ने की रक्षा मंत्री से बात। श्रीनगर के एनआईटी विवाद पर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, एनआईटी छात्रों का घर है कश्मीर। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन में चाकू की नोक पर 12 लाख की लूट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में मेट्रो का पूर्व कर्मचारी भी शामिल। सोमवार तड़के लूट की वारदात को दिया था अंजाम। पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में सोनिया गांधी की रैली, मालदा और वीरभूम में जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र ने किया सीएम केजरीवाल का ऑफर खारिज, कपिल मिश्रा बोले पीएम के जवाब का इंतजार, कल केजरीवाल ने लातूर को दी थी पानी की पेशकश। आम्रपाली विवाद में धोनी के बचाव में उतरे शाहरुख खान, बिना नाम लिए कहा सितारे पूरी तरह जिम्मेदार नहीं, ब्रांड जांच कर विज्ञापन करें। एप्पल ने पेश की कॉरपोरेट लीज स्कीम, अब मात्र 999 रुपए में किराए पर मिलेगा नया आईफोन SE, जबकि आईफोन 6 के लिए देने होंगे 1199 रुपए। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।